दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को समन भेजने पर दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी भी आप और केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा, अगर कोर्ट भी आपके खिलाफ गई तो क्या कोर्ट के खिलाफ भी कोर्ट जाओगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने शनिवार दोपहर को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, हम झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। इस ट्वीट का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने लिखा, ये उल्लेख करना भूल गए कि यदि माननीय अदालत आपको दोषी ठहराती है तो आप उसके खिलाफ भी मामला दायर करेंगे। कानून को अपना काम करने दें और हमें कानून में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, ईडी सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाओगे और अगर कोर्ट भी खिलाफ गई तो फिर क्या कोर्ट के खिलाफ भी जाओगे। बता दें अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सिसोदिया को लेकर ईडी और सीबीआई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी चिल्लाकर शराब घोटाला बता रही है, सारा काम छोड़कर सारी एजेंसियां इसकी जांच में जुटी है, लेकिन जांच में क्या मिला। जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी, तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो फोन जिंदा है। और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा है, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। बता दें अरविंद केजरीवाल ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, सीबीआई और ईडीआई के लोग टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, 100 करोड़ की रिश्वत की बात करते हैं लेकिन कोई बताए कि वो कहां गया पैसा। 400 से ज्यादा छापे मारे गए लेकिन कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। शराब नीति शानदार नीति थी जो हमने दिल्ली में लागू की थी। 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुन, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू।